नमस्कार दराज दर में देख रहे हम आपके साथ गौरव अवस्थी। मध्य प्रदेश चुनाव कवर करते करते इस वक्त बुधनी विधानसभा पर पहुंच चुके हैं, जहां से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हैं चुनाव एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। तमाम सारे लोग खड़े हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार माहौल क्या कह रहा है चाचा? कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है यहाँ से। कहाँ से? बुधनी विधानसभा से। मामा जी का है क्रेड? मामा जी क्यों क्यों? अरे पूरा विकास का कार्य किया सर, जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसा कोई कार्य जिसमें सुविधा न दी गई हो जनता को, बताइए आप मेरे को। जन्म से लेके मृत्यु तक पूरे कार्य सीएम साहब बुधनी विधानसभा से करते हैं। यहाँ से जनता की पूरा प्रॉफिट मिलता है, पूरा पूरी योजनाओं का लाभ मिलता है। एक दो योजनाओं का लाभ अगर आप बता सकते, समझ लीजिए आप, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना और कितनी योजना है। आपने लाडली बहना की बात की, ठीक है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये कन्या पूजन जो कर रहे हैं ये मामा ढोंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, दिग्विजय सिंह जी से पूछिए जो गऊ का मांस खिला रहा है हिंदुओं को गऊ का मांस खिला रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। हमारे क्षेत्र में देखा ना, धान लगी है। दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं को गऊ का मांस खिला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं को गऊ का मांस खिला रहे हैं, आप देखिए। वो कह रहे हैं पाखंड कर रहे हैं ये कन्या पूजन। अरे पाखंड तो वो कर रहे हैं, वो कैसे हिंदू हैं जो हिंदुओं को गऊ का मांस खिला रहे हैं सर? कहाँ पे ऐसा आपने देखा? अरे पूरा व्हाट्सएप पे देखिए, मैं आपको अभी दिखा दूँ। बिल्कुल दिखाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी एक तरफ कहते हैं कि कन्या पूजन पाखंड है, ठीक है, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी कन्या पूजन करते हैं, तो क्या मतलब कि पार्टी में ही दो धड़े हैं क्या वहाँ? अरे सर बिल्कुल दो धड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी अलग जा रहे हैं, कमलनाथ जी अलग जा रहे हैं। अब चुनाव आ गए तो कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त बन गए, गदा उठा रहे हैं। पहले कहाँ गए थे 5 साल पहले दिग्विजय कमलनाथ जी? 5 साल पहले कहाँ गए जब तो गदा नहीं उठाई उन्होंने? आज चुनाव आ गए तो हिंदुओं के लिए गदा उठा रहे हैं वो। भैया नारेबाजी ना करिए, थोड़ा सा भैया नारेबाजी मत करिए, थोड़ा सा बातचीत हो जाए। ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हिंदू बन गए, तो आपको लगता है क्या हिंदू विरोधी है? एक मिनट, अरे मुस्लिम छोड़ो, हमारे यहाँ की विकास देखो, 30-30 क्विंटल फसल निकल रही है, इनकी देन है। लाइट नहीं मिलती थी, एक एक घंटे लाइट मिलती थी, खेती में पानी नहीं था, सब व्यवस्था देखो तो। आज 30 क्विंटल धान निकल रहे, हमारे यहाँ के किसान देखो आप संपन्न हो गया। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया गया, किसानों को सिर्फ मतलब ना अच्छे दाम मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है। हमारे खेत डीपी रखी, किसानों को 0% पे ब्याज पे पैसे मिल रहा है। और क्या, आज हमारी फसल देखो 30 क्विंटल एकड़ निकल रही, तो किसान खुद का कर रहा है। अरे क्या करते हो जी? अच्छा सरकार में क्या गड्ढे थे बताते हैं, बोले 5 महीने में डिलीवरी हो जाती थी, रोड पे चलते थे तो, और आज चल के देखो आप रोडों पे लग रहा है विकास के काम हुए। कुल पूरे विकास के काम हुए सर जी। आपका कौन सा गांव लगा? मेरा गांव नाजनेर है सर मेरा गांव नाजनेर है, यहाँ से जौनतला से करीब 5 किलोमीटर दूर नाजनेर गांव है जी। तो आपके गांव में कितना बदला ये जब से मामा के साथ? पूरा मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए नर्मदा घाट, पूरे रोड, पूरी नल जल योजना, पूरी लाइटिंग, ऐसा कोई विकास का कारण ही नहीं रहा नाजनेर में जो हुआ नहीं हो। अच्छा फिर ये कांग्रेस क्यों कह रही है कि इस बार सरकार जाने वाली है और इस बार मतलब कि बड़ा डर? तो ये कब रिजल्ट, कब 17 तारीख को वोटिंग होगी, रिजल्ट खोलेंगे 3-4 तारीख को, जब पता चलेगा कि कांग्रेस को कितनी सीट। चाचा कमलनाथ जी की बुद्धि हो गई खराब, उसको विकास नहीं दिख रहा, विकास दिखना चाहिए। नहीं देखो यहाँ कहीं आपको पैदल आप चले जाइए, इतना सा भी कच्चा रोड नहीं। अच्छा जी, ये कैसे बदला? शिवराज जी, शिवराज भगवान भगवान है, भगवान हमारे क्षेत्र के लिए भगवान है। भगवान 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 ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अरे वो अवतार जो नरसिंह ने अवतार नहीं लिया था, वो अवतार लिया भैया। मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया मामा? जीवन में नंगे पैर देखो शर्टिंग करके घूम रहे, और क्या चाहिए बदलाव?
और क्या चाहिए, क्या करते हैं? अरे हम तो किसानी करते हैं, किसानी कर, हाँ आजकल हार्वेस्टर है हमारे पास, जिससे शिवराज की देन है। उत्तान पर उत्तान, शिवराज भैया, शिवराज भैया। अच्छा जब शिवराज सिंह चौहान जी नहीं थे तब आप, आपकी किसानी की कैसी हालत? एक एकड़ में दो बोर अब गेहूं होता था, और ये हाजमोला रोड था, हाजमोला सर्टिंग रोड, सर्टिंग रोड। अच्छा ये हाजमोला रोड कैसी होती है? हाजमोला इसको कह दो जिसको पचता नहीं, इस रोड पर बैठ जाइए पच जाएगा, उसको हाजमोला रोड कहते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि इस बार सरकार बन रही है कि नहीं? बन रही है। 155 क्या 155 सीट को कांग्रेस की भाजपा? अरे हर समस्या का हल खेलता हुआ, जय हिंद। और पंजा किस चीज का हल? अरे नो 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 जीरो, पंजा बिल्कुल नहीं आवे। फूल फूल कमल का फूल, क्यों कमल का फूल? बहुत विकास किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हाँ किया है मामा, सब कुछ किया है, बिना ब्याज के पैसा देते हैं, और ट्रांसफर, और नल जल योजना, और लाडली योजना, वृद्धा पेंशन, और बिजली फ्री गांव की, गांव में बिजली बिल कोई नहीं दे, मैं सब भी भरे। आप क्या करते हैं? किसानी, किसानी करते हैं। अच्छा किसान कह रहे हैं बड़ा समस्या में है, बड़ा परेशान है। नहीं वे तो विपक्ष के पैसे ही क्या है, कांग्रेस दिया वो कह रहा परेशान है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि 2600 रुपए में धान खरीदेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, 200 नहीं माने कोई, वे सब झूठी बदान में झूठी कही थी, कोई नहीं माने उनके, एक दान देख लो सब इनकी। ये तो मध्य प्रदेश, ये तो बुधनी विधानसभा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा से भी ज्यादा विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में गारंटी से कहता हूँ। ये आपको भी देख रहे हैं, आप भी तो युवा लड़के हैं, भारत की जागृति संत की, आपको क्या दिख रहा है? हम दिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या देख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोग तो चाचा दिल्ली से आए हुए हैं, ठीक है, हम लोग जो घूम रहे हैं तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, मामा ने भ्रष्टाचार। अरे हम कांग्रेस, हम कांग्रेस के बन लगाएंगे, बाकी के बीजेपी माने बीजेपी, बीजेपी वाले बीजेपी, अरे बीजेपी माने भी। आप तो एक काम करो, पूरे क्षेत्र में चल जाओ, आपको बिना सीमेंटेड रोड मिल जाए, चल जाओ 40 पूरा सीमेंट, अरे आप पूरे में चले जाओ। लेकिन कह रहे हैं गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे। शिवराज जी ने जो रोड बनाया नहीं है, अगर कमलनाथ में गड्ढों को भर देंगे तो हम गुलामी करेंगे, गड्ढा भर देंगे तो। अच्छा ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी इतने सालों से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, ठीक है, क्या उनमें खासियत है कि मतलब इतनी बार से लगातार जनता उनसे सरल और सहज स्वभाव? राम जी और मेरे में अंतर नहीं, सरल और सहज स्वभाव, क्रोध आता नहीं, जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सहज, बहुत सरल। माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन से जुड़े हुए नेता है, पग पग से उन्होंने हर गांव का उन्हें पता है, यहाँ से लगाकर पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपने पैरों से नापा है, माँ नर्मदा माँ के वो लाडले हैं, और एक संत रूप में वो एक संत ग्रस्त होते हुए भी एक संत है, वो अपने जीवन में कभी दिन में उन्होंने विश्राम नहीं किया, ऐसे सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी है, और वो लगातार आम जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, लाडली बहना योजना है ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अन्य ऐसी योजनाएं जो उन्होंने आम जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए मेरा आपसे बहुत बहुत आपसे भी सहयोग करूंगा कि मीडिया भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बार पुनः कमल करे, बोलिए शिवराज भैया। आपका नाम क्या? मेरा नाम अवधेश सिंह चौहान जी, चौहान साहब। अच्छा चौहान, आप ही उनके चौहान जी हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्षेत्र सर, ये क्षेत्र उन्हीं का है, और यहाँ हमारी जी आप करते क्या? मैं खेती करता हूँ सर। खेती करते हैं, अच्छा किसान ज़्यादा है यहाँ पे, किसान बाहुल है। एक मिनट, अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी संत हैं, लाडली बहना योजना, ये तमाम सारी योजना दे रहे हैं, अभी 2 दिन पहले कन्या पूजन भी किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये सब कन्या पूजन शिवराज सिंह चौहान जी का ढोंग है, दिग्विजय। देखिए हम भारतीय सनातन को मानने वाले लोग हैं, भारतीय सनातन को मानने वाले लोग हैं, और भारतीय सनातन में कन्या को जो है देवी का रूप कहा गया है, और देवी जो होती है वो सर्वोपरि होती है ना जी। अब देखिए मानसिकता, अपनी मानसिकता आप बताते हैं, माननीय जो बयान कांग्रेस के कार्य
नेताओं ने दिया, दिग्विजय सिंह जी ने दिया, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि उनकी अवस्था के बाद भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, कितनी एज की उनकी थी। अब ये उनकी मानसिकता दिखाता है, मुझे उनके विषय में सम्माननीय है, वो माननीय है, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो माननीय है, सम्माननीय है, तो मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिक सब जानती है साहब। लेकिन बोल तो सब दिया आपने, अब सब बोल दिया, आप स्वयं समझदार हैं जी, पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ कमलनाथ जी भी पूजा करा रहे हैं, ठीक है, कन्याओं का, और कथा करवा रहे हैं, और एक तरफ मतलब कि हिंदू धर्म को पाखंड भी बताते हैं कांग्रेस वाले, तो चेहरा असली क्या, कर्नाटक में बैन करते हैं आरएसएस? देखिए साहब, ये जो है, जो लोग पहले जो लोग टोपी लगाते थे, अब माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत में आने के पश्चात वो टीका लगाने लगे, मंदिर जाने लगे, पूजन करने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं ये कितना बड़ा परिवर्तन है। यही नहीं, हमारी संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातनी का हम परचम रहा है। बोलिए जय जय श्री राम। तो सनातन का प्रचार तो कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, वो भी कथा कर रहे हैं। देखिए देखिए सर, देखिए कागा और कोयल में बहुत अंतर होता है साहब, कलर दोनों का एक सा होता है, पर सुरीली बोली किसकी होती है आप परिचित है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, धन्यवाद। जनता इस बार पहचान गई है, जनता पहचानती है साहब, जनता लगातार पहचान रही है, और इस बार भी पूर्ण रूप से वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। और एक बार, अच्छा, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का कंटिन्यू रिकॉर्ड मतलब कि मामा के पास है, तो ऐसी कौन सी वजह है जो मामा को इतना खास बना? तो समझ लो कि आप वजह क्या है, अगर वजह नहीं होती तो पांचवी बार मुख्यमंत्री का आने सब लोग उनका आशीर्वाद समर्थन नहीं करते, उनमें वजह है इसलिए तो लोग समर्थन लेता है। देखो रियलिटी क्या है कि इन्होंने गरीबी देखी है, समझ रहे हैं, वो पाँव पाँव चल के जो मुख्यमंत्री तो बाद में बने हैं, पहले विधायक ही बनना दुर्लभ था उनके लिए, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो लड़ाई लड़ी होगी उन्होंने, फिर इसके बाद वो सांसद बने। उतनी मेहनत कोई माइकलाल नहीं कर सकता जो वो करते हैं, और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ये सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता, इतना दयाबान नेता कैसे हो जाएगा? आज हमारा उत्पादन, आज मेरा ही उत्पादन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का उत्पादन हुआ है। देख लो आप दिग्विजय सिंह की करामात क्या कर रहे हैं, और उसका गौ मांस दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं को गौ का मांस खिला रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको मैं, जो शुरुआत में बोली थी इन्होंने भाई साहब ने, वो ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले बदनाम कर, ये देखिए ना बीजेपी, अरे ये बदनामी वाली बात है, जो हिंदुओं को गऊ का मांस खिला रहे हो, जो 18 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा, मानसिकता अपने आप दिखती है साहब, कन्या पूजन पे सवाल उठाने वाले अपनी उम्र से भी, आधी उम्र से भी कम लड़की के साथ शादी करते हैं, अपनी पत्नी के पूरे 6 महीने नहीं होने के बाद भी, तो उनकी मानसिकता वो स्वयं दिखाते हैं, जनता सब जानती है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या कारण है कि वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे, देखिए वो सबसे पहली बात, वो एक सत्ता नहीं संभालते, माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक परिवार के समान लेके चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश मेरा पूरा परिवार है और मैं यहाँ शासन नहीं चलाते, वो एक आम बच्चे के भांजा है, बेटी के भांजे हैं, बहनों के भाई हैं, वो एक परिवार की तरह मध्य प्रदेश का शासन चला रहे हैं, वो ना कि कोई राजा या वाकई में है कि कैमरे पे, नहीं 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 ये वाकई में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आम गरीब वर्ग का, हमारी महिला भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। चौहान साहब को मामा की उपाधि कैसे मिल गई, मतलब मामा क्यों कहने लगे, इतना चलन में क्यों आ गया मामा? मामा चलन में इसलिए आ गया, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, ये मामा जो शब्द है, मामा शब्द ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है साहब मध्य प्रदेश में, मामा शब्द, मादाम शब्द ने, आप कहीं भी चले जाइए, आप कमलनाथ जी को ले जाइए किसी गली से गुजार दीजिए, और आप शिवराज जी को दिला दीजिए, आप उन दोनों को स्वयं पब्लिक बता देगी कौन जा रहा है, वो पहचान लेंगे, पब्लिक अगर शिवराज जी दिख जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कहेंगे मामा क्यों, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किए हैं, और वो एक आम बहना के लिए काम किए हैं, जनमानस तक पहुंचे हैं, आम व्यक्ति की उन तक पहुंच है, सरल और शांत स्वभाव है, वो सबसे मिलते हैं बात। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मामा के सामने अगर हम छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा करते वो भी जीत जाएगा, हम तो ये कहते हैं कमलनाथ जी स्वयं आ जाए पता चल जाएगा, कमलनाथ जी स्वयं आ जाए, राहुल गांधी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, सोनिया गांधी भी आ जाएंगे मामा। देखिए शिवराज जी माननीय दिग्विजय जी के सामने लड़के आए, हम तो ये कहते हैं दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहे हैं, एक बार दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ आए, दिग्विजय सिंह को खुली चुनौती देना, खुली चुनौती, मध्य बुधनी विधानसभा का हर एक कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी को खुली चुनौती देता है कि अगर आप में दम है तो यहाँ मामा के सामने लड़के दिखाएं।
खुली चुनौती है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जमानत जब्त हो जाएगी मामा जी के सामने दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। बड़ा लोकप्रिय है दिग्विजय सिंह। नहीं 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 भाई साहब, कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता हमारे मामा के सामने, कोई नहीं चल सकता। क्या? हमारे मामा वो शक्ति है। क्या शक्ति? अरे हमारे मामा बिल्कुल सरल शीलता है, आप सुनिएगा, और वे अपनी आत्मा के साफ है। बच्चा बच्चा से मिलते हैं हमारे बुधनी क्षेत्र, हमारे मध्य प्रदेश में।